इन सारे सवालात के जवाब चाहिए दस्तक के बाद विद साहिर। What's going on, ladies and gentlemen? Welcome back. A very good morning to you all. बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो को देख रहे हैं। सबसे पहले तो फरहत ज़ाहिद, you're watching me. आप जहाँ भी हैं मुझे देख रही हैं। Thank you so very much for watching me, watching the show, and watching all of us here. बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको प्रोग्राम पसंद आता है। बहुत-बहुत-बहुत-बहुत आपकी नवाजिश। आपने तीन हफ्ते पहले प्रोग्राम देखना शुरू किया। आई डोंट नो कि आप इससे पहले भी देखती थी या नहीं देखती थी, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू से हेलो टू यू। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत 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 शुक्रिया। एंड कीप वाचिंग द शो, कीप वाचिंग द शो। मेरे साथ मेरे मेहमान हैं कादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। प्रोफेसर नागपाल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। बाद इमानुएल सर, कैसे हैं आप? एंड ऑफ कोर्स एमनूरी साहब, नाइस सूट। जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। नादिर, अस्सलाम वालेकुम। एंड ऑफ कोर्स क्या कर सही। द थिंग इज, आज हमने लड़ना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ आज जो आर्ग्यूमेंट होनी है वो इस बात पे नहीं होनी। पहली बात तो मैं ये वाजे करता चलूँ कि हम में से कोई भी ये नहीं कह रहा कि 21 दिसंबर 2012 को कयामत आनी है। हम में से कोई भी ये नहीं कह रहा, सिवाय लियाकत के। लियाकत साहब का जो मानना है वो ये है कि 21 दिसंबर 2000। नूरी साहब भी कह रहे हैं। नूरी साहब, मेरा थोड़ा सा वर्जन उनसे डिफरेंट है। आप दोनों शुरू हो गए, प्लीज एक बार आप दोनों अखाड़े में आ जाएं। प्लीज एक बार आप दोनों लड़ लें ताकि हम लोग इतमिनान से अपनी बात कर सकें। आज कर ही लेते हैं जी। प्लीज प्लीज, मैं तो आपको बता, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, मुसलमान हूँ, आप ही का भाई हूँ। आज तो बिल्कुल जुमा लग रहा है। मैं उन लोगों की आप आज आज तो जुमा आप पे वारिद हो चुका है। अच्छा, मैं उसकी उसकी भी उसको बता रहा हूँ। कल मैंने जो स्टडी की है उसमें एक टाइटल था बी प्रिपेयर्ड 2012 की तैयारी कर ली है। उस पर मैंने बहुत कुछ पढ़ा है और इसके बाद मैंने कहा यार इन लोगों ने तो तैयारी कर ली, खैमे भी ले लिए, मास्क भी ले लिए, मुझे अपना जुम्मा बेहतर करना है क्योंकि अगला जुम्मा जो जॉब आएगा उसकी तैयारी कर ली। ओके, तो मैं आज इसलिए तैयार हूँ। खास तौर पे मेरा शौक था कि मैं नमाज आपके साथ पढ़ूं। अच्छा, इससे पहले क्या हमारे पास न्यूज़ पैकेज रेडी है जो हमने कल चलाया था? कल जो हमारे जियो पे चला, जियो न्यूज़ पे चला, डू वी हैव दैट पैकेज? जी, जलजला जो आया है। अच्छा, हमारे पास वो जलजले का पैकेज नहीं है। क्या हमारे पास येलोस्टोन नेशनल पार्क का वो है? येलोस्टोन है तो प्लीज़ येलोस्टोन लगाइए। मैं आ चाहता हूँ कि आप लोग देखें इसको, और वो तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को देखें। केस स्टैब्लिश नहीं कर रहा मैं, वो इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है दुनिया के अंदर वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद फैसला आपका काम है। लेट्स प्ले इट, लेट्स प्ले इट। ये येलोस्टोन नेशनल पार्क का आतिशफिशां है, पहाड़ है, उसकी माउंटेन रेंज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो चश्मा फूट रहा है इसको कहते हैं ओल्ड फेथफुल। ये गीज़र जो है ये आहिस्ता 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 एक वक्फे के बाद फटता रहता है। इसके नीचे वो लोग ये कहते हैं कि बहुत सारा सयाल मादा जो है वो खोल रहा है, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। मैग्मा उबल रहा है। अगर ये मैग्मा उबल के बाहर आ जाता है, ये देयर यू गो, अगर ये मैग्मा उबल के बाहर आ जाता है तो इसके बाद धुएँ और कसाफत के इतने बादल होंगे कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाएगी। लिटरली ऐसा होगा और ज़मीन का बेशतर हिस्सा एक आइस एज के अंदर चला जाएगा। This is how it will happen, or it can happen. 30,000 साल overdue हो चुका है इसका फटना। So imagine that कि ये कभी भी किसी भी वक्त फट सकता है। The park is called Yellowstone National Park, and ये जो चश्मा जो है, गीजर जो है, वो Old Faithful कहलाता है। I'm sorry? America में, US के अंदर, US के अंदर। यूएस के अंदर है येलोस्टोन नेशनल पार्क। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आइस एजेस में क्या होता है, किस तरह से आइस एजेस आती हैं। इफ यू हैव द फुटेज, लेट्स रोल इट। दिस इज हाउ एन आइस एज लुक्स लाइक। चारों तरफ जमीन पे बर्फ ही बर्फ होती है, चारों तरफ, इरिस्पेक्टिव कि आप कहाँ हैं, किस जगह हैं। बिल्डिंग्स पे बर्फ आ सकती है, जो जहाँ होता है, जिस जगह होता है, जम जाया करता है। Temperatures could be anywhere from negative 48 to negative 152 degrees. Negative की बात कर रहा हूँ। yes. अभी इसमें wind chill factor हमने शामिल नहीं किया है। Wind chill वो factor होता है जब हवाएं चलती हैं तो सर्द हो जाती है ज़मीन। Wind chill factor सिर्फ उस factor को कहते हैं। अभी हमने इसमें wind chill factor शामिल नहीं किया है। You can see that. Now, ladies and gentlemen. मायंस के मुताबिक, अगेन वंस अगेन, मायंस के मुताबिक 21 दिसंबर 2012 को करंट कैलेंडर साइकिल खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि दुनिया एक मर्तबा फिर दोबारा से शुरू होगी। वंस अगेन, मैंने आपको ये फुटेज दिखाई, आपके तासरात। विल स्टार्ट फ्रॉम यू सर। मैं ये बात कहना चाह रहा था कि आप लोग सब मुत्तफिक नहीं हैं, और मेरे मुत्तफिक होने का मकसद सिर्फ ये था, और उससे इस थ्योरी से कि मैंने थोड़ी सी इसकी स्टडी की है। स्टडी करने के बाद मैं इस चीज़ पे पहुँचा हूँ कि इन लोगों ने जितनी बातें कही हैं वो बिल्कुल सही हैं। सबसे जो बड़ी बात है जो कि आम इंसान समझ सकता है कि एक आदमी 3 से 4 हज़ार
साल पहले कबले मसीह अगर आपको कोई चीज़ बना के दे रहा है, हम उसमें आज तक कोई चेंजेस नहीं कर सके, टाइम, गिनती और इसके अलावा मैं कैलेंडर कह रहा हूँ, इसके अलावा जितने भी सूरज ग्रहण थे और चांद ग्रहण है उन्होंने जो बताया थे वो बिल्कुल सही है। इस हवाले से मैं इस बात को मैं कायल हूँ कि 21 दिसंबर 2012 को क़यामत आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने उस पर बहुत सारी स्टडीज़ की, इसलिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूँ, मगर मैंने एक चीज़ पढ़ी है, मैं उसको पढ़ के आपके सामने रखा। फिर मैंने जो दूसरी चीज़ देखी इन 4-5 दिनों में वो ये देखी कि आप सब लोग किसी न किसी तरीके से क़यामत का जिक्र करते हैं, आप किसी न किसी तरीके से क़यामत की निशानियों का जिक्र करते हैं, और वो निशानियाँ भी वो 4-5 हज़ार साल पहले जो प्रिडिक्ट किया गया है उससे बिल्कुल मिलती हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि जब आप लोगों की, आप मुख्तलिफ मजाहब के लोग हैं, आप मुख्तलिफ मजाहब के लोग वही बात करते हैं जो मयान ने 4-5 हज़ार साल पहले की थी। बड़ी निशानियाँ, छोटी निशानियाँ अलग बात है, मगर छोटी निशानियाँ नज़र आ गई, पूल शिफ्ट नज़र आ रहा है, मशरिक सूरज से मशरिक से मगरिब से निकलेगा और दूसरी चीज़ें भी मौजूद हैं। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कल मैंने आपको प्लैनेट नीबू दिखाया था, आज मैं आपको उसकी फुटेज दिखाने वाला हूँ। जब मायंस कहते हैं तो मायंस ये कहते हैं कि हम आइस एज में दाखिल हो जाएंगे, या प्लैनेट एक्स या प्लैनेट निब्रू जिसे कहा जाता है वो आएगा और ज़मीन को हिट करेगा। हिट करने के बाद होगा क्या, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। एक प्रेडिक्शन है कि कुछ इस तरह से हो सकता है। ऑफ़ कोर्स ये फुटेजेस कुछ तो मैन मेड हैं, कुछ मूवीज से ड्रॉन की गई हैं। लेट्स वॉच दिस प्लैनेट निब्रू 2012 दिसंबर 21, ये नॉस्ट्रेडेमस है, वी आर टॉकिंग अबाउट, ये माइंस की वो जगह प्लैनेट निब्रू हमारे सोलर प्लैनेट को काट के जमीन की तरफ बढ़ता है। नॉस्ट्रेडेमस से भी 1000 साल पहले मायंस ने इसको प्रिडिक्ट किया था। नॉस्ट्रेडेमस वो आदमी है जिसकी बेशतर प्रिडिक्शन सच साबित हुई है। ये निब्रू जमीन की तरफ बढ़ रहा है, जमीन पे हिट करता है और हिट करने के बाद तबाही का मंजर कुछ इस तरह से हो सकता है। समंदर उबलेंगे, पहाड़ रेजा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, समंदर उबलेंगे, पहाड़ रेजा होकर कसीबा महिला और पहाड़ भी रेजा रेजा जाएंगे। exactly. कब होंगे ये? अगेन इन्होंने कहा है दिसंबर 2012, इन्होंने कहा है दिसंबर 21 दिसंबर 2012, ये हो सकता है। हम यहां पर आपको सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम दे, जब हम वापस आएंगे तो बहस को हम यहीं से शुरू करेंगे। जो बातें, जो निशानियां बताई गई हैं, क्या उनके मुताबिक जो माइंस ने कहा है, क्या दुनिया 21 दिसंबर 2012 को ख़त्म हो रही है? फ़र्ज़ कीजिए कि दुनिया 21 दिसंबर 2012 को ख़त्म हो रही है, तो हमने इसके खात्मे से पहले क्या किया है? आपने जिन्हें कहना था कि आपको उनसे मोहब्बत है, क्या आप कह चुके? जिनसे आपको माफ़ी मांगनी थी, क्या आप मांग चुके? क्या जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना था, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर चुके? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने ये शो इसलिए किया कि हम आपको ये बता सकें कि हम क़यामत के बारे में बहस करना चाहते हैं या कितना जानते हैं। क़यामत उस रोज़ होती है जिस रोज़ आप इस जहाँ से कूच करते हैं, तो फिर क़यामत का इंतज़ार कैसा? जिस चीज़ ने आना है, जो बरहक है, उस चीज़ के बारे में इज़्तिराब कैसा? अक्ल कहती है मर जाओगे, शऊर कहता है मर जाओगे, दिल कहता है मौत से पहले मरना नहीं चाहिए। मौत से पहले अगर हम मरेंगे तो वो गलत होगा। क्या हमने अपने नेबर को ये बताया, सुनो यार आई रियली लाइक यू? क्या हमने अपने पड़ोसियों से ये कहा, आई नो तुम्हारे पास खाना नहीं है, लेट मी एक्चुअली फीड यू? क्या हमने इस तरह की महफिलें जमाई? एक रोज़ हम से कोई नहीं होगा, इमेजिन कीजिए यही चेहरे यहाँ पर बैठे हुए गायब हो जाएंगे, कोई नहीं होगा, चारों तरफ यादें होंगी। हो सकता है जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ पर बर्फ़ की बड़ी बड़ी तहें हों। वक्त भी गुम हो जाएगा, चेहरे भी गुम हो जाएंगे, लेकिन रह जाएगी एक टूटी हुई याद। आइए इस टूटी हुई याद को साबित कर देते हैं।
इस टूटी हुई याद को ऐसे ही लेके आगे चलते हैं। आइए दिल से दिल जोड़ते हैं। आइए, हम पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले सकते, लेकिन कम से कम इस मुल्क का, इस जमीन का, इस खत्ते का जरूर ले सकते हैं। आइए दोस्ती हाथ बढ़ाते हैं, इससे पहले वक्त थम जाए और हमारे पास हाथ मिलाने का भी वक्त ना हो। मुमकिन हो ऐसा वक्त हो, तरतीब वक्त में दस्तक को तेरा हाथ बढ़े, मेरा दर ना हो। छोटा सा ब्रेक। क्या हम 2013 का सूरज